कोई 10 साल का बच्चा भी ट्रेड कर सकता है जिस तरीके से मैंने बता दिया। यहाँ पर आए बेच दो, यहाँ पर आए बेच दो, यहाँ पर आए खरीद लो, यहाँ पर आए खरीद लो, यहाँ पर अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर खरीद लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आए बेच दो, देख लो प्राइस गिर रहा है कि। दोस्तों हमारी ओर से और हमारे चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आप सभी का बहुत स्वागत है ट्रेड फॉर प्रॉफिट चैनल पर। और यहाँ पर अगर हम आज बात करेंगे जिस वीडियो के बारे में, तो होली के शुभ अवसर पर ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि यहाँ पर किस तरह से एक रिस्क फ्री अर्निंग करी जा सकती है, प्रॉपर मंथली एक ऐसी इनकम हमें मिल जाए जिसमें रिस्क फ्री और हमारा पैसा काम पर लग जाए और हमें अर्निंग वगैरह आती रहे। तो यहाँ पर देखो क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी लोग नए हैं, काफ़ी लोग बिल्कुल न्यू हैं कि जिनको ABCD ही नहीं मालूम है क्रिप्टो करेंसी का, किस तरह से प्रॉफिट करते हैं, किस तरह से बाई करते हैं, किस तरह से सेल करते हैं। उन्होंने तो सिर्फ WazirX एक्सचेंज का नाम सुन लिया कि एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो वहाँ पर वो अकाउंट वगैरह बनाकर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों सीखना पड़ता है कुछ, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। देखिए जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले भी कुछ इन्फ्लुएंसर ने वो स्ट्रेटजी आपको शेयर की होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से नहीं की होगी, ठीक है। मुँह ज़बानी बोल कर कि इस रेंज पर बाई कर लेना, उस रेंज पर सेल कर देना, तो कहाँ पर हमें बाई करना है, कैसे करना है, हमें क्या ऐसी कोई क्या चीज़ मिलेगी, ऐसी क्या इंडिकेशन मिलेगा कि हमें वहाँ पर बाई करना है, तो बिल्कुल सिंपल करके समझाऊंगा। मज़ा बहुत आएगा आपको देखने के बाद वीडियो को, तो वीडियो पर बने रहना पूरा, सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, नोटिफिकेशन साथ बेल साथ में ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि आपने USD सुना है, ठीक है, तो स्पेशली ये वीडियो ही न्यू बिगनर्स के लिए, काफ़ी लोग जो पुराने हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें मालूम है, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं मालूम है, तो थोड़ा सा वीडियो में टाइम स्पेंड कर देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको बोलते हैं US डॉलर, यानी अमरीका की फिएट करेंसी। उसके बाद एक होता है USDT, ठीक है, जिसको काफ़ी लोग, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो आपको USDT को बोल देते हैं कि ये US डॉलर होता है। नहीं, US डॉलर नहीं होता है, USDT का मतलब होता है टेथर। टेथर एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्टेबल है US डॉलर के जैसी, जिसका प्राइस बहुत कम घटता बढ़ता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो इसलिए USDT को रखा गया है कि बिटकॉइन का प्राइस या बाकी ऑल्टकॉइंस का प्राइस जब फ्लक्चुएट ज़्यादा हो तो आप अपने फंड को USDT में कन्वर्ट करके रख सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे WazirX एक्सचेंज पर, तो आपके पास USDT में फंड मौजूद रहता ही होगा। WazirX एक्सचेंज पर, CoinDCX एक्सचेंज पर INR के पेयर की भी सुविधा है, यानी BTC को आप INR के पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, Ethereum को आप INR के पेयर में ट्रेड कर सकते हो, उसी तरीके से USDT भी ट्रेड होता है INR के पेयर में। USDT के पेयर में भी आप BTC को ट्रेड कर सकते हो, Ethereum को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से होता है। यहाँ पर ट्रेडिंग बेसिकली जो होती है दोस्तों, एक तरीके का एक्सचेंज होता है कि जैसे कि अभी मान लीजिए USDT का रेट था 72 रुपये, हमको लगा कि यार ये सस्ता है ले लो, ले लिया हमने, 74 चला गया, 76 चला गया, 4 रुपये ऊपर चला गया, 2 रुपये ऊपर चला गया, 1000 USDT हमारे पास थे। अगर हम कि मान लो 4 रुपये रेट बढ़ा तो हमने उसको एक्सचेंज कर लिया तो हमारे पास 4000 रुपये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर बस कहने का मकसद यही है कि हमने एक्सचेंज करके 4000 रुपये कमा लिए, तो उसके बाद हमने उसको USDT में फिर कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे क्या हुआ, 1000 से हमारे USDT बढ़कर ज़्यादा हो गए। अब अगली बार हम देखेंगे जब USDT का प्राइस हमने लो पे बाई किया है और हाई पे सेल करेंगे, फिर उसमें अर्निंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो काफ़ी इन्फ्लुएंसर ने ये USDT INR की ट्रिक के वीडियो डाले हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बताया नहीं है आपको कि किस तरह से आपको कहाँ पर बाई करना हो, कहाँ पर सेल करना है। मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ध्यान से देखना वीडियो को, इसके बिल्कुल मत करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल करके मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ध्यान से देखना। तो चलो दोस्तों यहाँ पर समय नहीं गवाते हैं, चलते हैं WazirX एक्सचेंज के चार्ट पर USDT INR के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि USDT INR के पेयर पर हम आ गए हैं, वन डे का चार्ट है, ठीक है, वन डे का चार्ट आपको लेना है। उसके बाद यहाँ से हम को RSI को प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करने के बाद इस तरह से डबल क्लिक जब आप करोगे इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर ये 14 को 14 ही रखना है, ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है। उसके बाद जब हम स्टाइल के ऊपर जाएंगे तो स्टाइल पर हमें सिंपल सा यहाँ पर अपर लिमिट को 60 कर देना है और लोअर लिमिट को 40 कर देना है, ठीक है। 60-40 का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो 60-40 आपको कर देना है। तो स्पेशली न्यू बिजनेस के लिए है, इतना कर सकते हो, इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हो ही कि इतना कर सकते हो, आपको समझ में आ सकता है, बस और कुछ नहीं करना चार्ट पर, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ लेवल्स लगा कर दिखा देता हूँ, और USDT INR देखो ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, WazirX में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस होती है 2-4 रुपये की, तो उसी फ्लक्चुएशन का जो फ़ायदा हमें उठाना है, यानी 2 से 4 रुपये 6 रुपये जो भी फ्लक्चुएट होता है प्राइस, उसका हमें फ़ायदा उठाना है, ठीक है। कैसे उठाना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने देखो अभी फिलहाल बीच के 4 लेवल लगाए हैं रेड कलर के, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 78, 76, 74, 72, ये रेड कलर में लेवल हैं। उसके बाद ब्लू कलर के 2 लेवल नीचे के हैं, 70, 68, ऊपर का एक लेवल है 80, ठीक है, वो भी ब्लू कलर में है। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी दिमाग लगाना नहीं है इस पर, क्योंकि ये इसी रेंज में ही ऊपर नीचे करता है,
तो हमें जब नीचे आएगा तो हमें बाई करना है, ऊपर जाएगा तो हमें सेल करना है। कहाँ पर करना है, कहाँ पर हमको इंडिकेशन मिलेगा सेल करने का और कहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा हमें बाई करने का, ये मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि आपको 80 से पहला लेवल आप 80 लगा लो, दूसरा 78 लगा लो, 76, 74, 72, 70, 68, यानी मैंने हर लेवल में दो दो रुपए का मार्जिन रखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एज इट इज़ उसी लेवल्स पर ही मार्केट ऊपर नीचे चलती है। ये जो राउंड फिगर के लेवल्स होते हैं दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या, देखो सिंपल, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखना ज़रूरी, अगर कोई काम हो तो कर लेना, उसके बाद जब फ्री हो जाना तब देख लेना, रात में सोते वक्त देख लेना, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही सुकून के वक्त में देखना इसको। अब मैं बताता हूँ कि मेन टेक्निक है क्या, करना क्या है। ये देखो, ये जो RSI का 60 का लेवल है और 40 का लेवल है, अगर आप गौर से देखोगे तो RSI इसी के अंदर मूव करती है। यहाँ पर एक बार टूटा था तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, तो कोई बैड न्यूज़ आई होगी, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर बेसिकली एक बैड न्यूज़ थी, मैंने उस न्यूज़ को भी कवर किया था, उसके बाद प्राइस गिरा था बहुत बुरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमें एक बाइंग जोन भी मिली थी अच्छा खासा, लोगों ने 60-62 तक प्राइस आया था, 62 तक बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था, ठीक है। अब देखो होता क्या है, दिख रहा है यहाँ पर इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। ऑनेस्टली बोलना दोस्तों, इतनी सिंपल तरीके से और इतना समझा कर किसी भी इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। ये टेक्निक ज़रूर बताई होगी कि USDT INR को इस तरीके से 74 पर खरीद लो, 78 बेच दो, 76 बेच दो, लेकिन कैसे कैसे इंडिकेशन कैसे मिलेगा, देखो मैं बताता हूँ इंडिकेशन कैसे मिलेगा। यहाँ पर देखो प्राइस आया सपोर्ट पर 72 रुपए के, ये 72 रुपए की लाइन पे आया, 72 रुपए का सपोर्ट, यहाँ पर देखो 40 पर सपोर्ट पे आई RSI, हमें बाई कर लेना है, ठीक है, चला गया ऊपर, यहाँ से 72 से 78 तक प्राइस गया। अब जब तक कि ये 60 को टच नहीं करेगा हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया, कितना प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये। अब अगर मान लो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के पास 2000 USDT, 3000 USDT, 4000 USDT, कोई बड़े फंड वाले होते हैं तो 10000 USDT तक उनके पास रहता है, तो वो बेकार ही पड़ा रहता है एक्सचेंज पर। आप सोचते हो altcoins मिल जाए तो उसमें बाई सेल कर लें, लेकिन यार हमें बाई से उसमें करने की ज़रूरत क्या है, हमें सिंपल सा इसमें लगा देना अपने USDT को काम पर, ठीक है, USDT हमारा पैसा है, हमें अपने पैसे को काम पर लगा देना है। यहाँ पर हमारे पास USDT तो ऑलरेडी है, हमने देखा यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर देख लिया, एक जो स्ट्रेटजी हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है, हमने बेच दिया, हमने उसको INR में एक्सचेंज कर लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 6 रुपए का। अगर मेरे पास 3000 USDT यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया INR में, तो 3000 × 6 = 18000 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल गया। और वैसे एज पर आपकी कैपिटल के हिसाब से आप कर सकते हैं, आपका पास 1000 USDT है तो फिर आपको 6000 का प्रॉफिट मिलेगा, आपके पास 500 USDT है तो फिर आपको 3000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ से गिरा 40 पर आया, यहाँ पर हमने फिर इसको बाई कर लिया, फिर देखो गया ऊपर, अब कि हमने 74 के आसपास बाई किया था, 78 तक गया, तो अगर 3000 USDT थे तो 12000 मिल गए, तो यहाँ पर हमें 18000 मिले थे और यहाँ पर हमें 12000 मिले थे, 30000। यानी इतने शॉर्ट पीरियड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तारीख थी 13 फरवरी से हमने अपने फंड को कैपिटल को काम में लगाया 26 फरवरी तक, यानी 13 दिन के लिए तो हमें मिल गया 18000, क्या बुरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने लगाया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मिनट, ये देखो यहाँ पर हमने 11 मार्च को लगाया, बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल गया लगभग 24 मार्च को, तो 13 दिन के अंदर फिर हमें प्रॉफिट हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 13 दिन के दो बार प्रॉफिट हमें हुए 13 दिन में, तो ऑलमोस्ट एक महीने में हमें दो ट्रेड मिले, जो आपका USDT बेकार पड़ा रहता था उसने दो बार आपको कमा कर दिया। 3000 USDT होते तो 30000 महीना, 1000 रुपये रोज़। अब यहाँ पर दोस्तों अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि जो स्ट्रेटजी मैंने जितनी सिंपल करके आपको बताई है वो आपको समझ में आई, अच्छा लगा। इस टाइप की स्ट्रेटजी आपको किसी भी यूट्यूबर ने बताई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ये स्ट्रेटजी बताई होगी कि USDT INR में जो फ्लक्चुएशन होती है 2-4 रुपए की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन इतना सरल तक करके नहीं बताया होगा कि कोई बिगनर्स, कोई 10 साल का बच्चा भी ट्रेड कर सकता है, जिस तरीके से मैंने बता दिया। यहाँ पर आए खरीद लो, यहाँ पर अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर खरीद लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आए बेच दो, देख लो प्राइस गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, यहाँ पर आए खरीद लो, देखो यहाँ पर खरीदते तो 76 रुपए के बाद 80 रुपए तक भी गया है, तो 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट देता है, 5-6 रुपए का प्रॉफिट भी दे देता है, तो समझो इस चीज़ को। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, सहायक साबित हुआ होगा आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी से जो बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी का ABCD भी नहीं आता है, उनको भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर कितना सिंपल करके मैंने चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने पेश कर दिया। तो दोस्तों निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, बस आपके मोटिवेशन का हकदार रहता हूँ कि आपकी तरफ से हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके जो पढ़े लिखे
होने के बाद भी इस हमारे इंडिया में बेरोजगारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया, इसके आगे काम आपका है, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।